प्रेरणा जी, चमकती हुई दुनिया से आप कनेक्टेड हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री कई तरह की उम्मीदों के साथ में लोग वहां पर रुक करते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उन्हें कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आपसे समझना चाहेंगे क्या वाकई में ये हकीकत है, और खासतौर से ऐसे समय में अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे धमकियां भी दी जाती हैं। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, ये सिर्फ एक इंडस्ट्री का नहीं, ये सारी इंडस्ट्री का हाल है जहाँ पे पुरुष और महिला साथ में काम करते हैं, या सिर्फ पुरुष पुरुष या महिला महिला, आजकल वो डिफरेंस भी नहीं रह गया है जी। ये सब जगह का हाल है, लेकिन एक डिफरेंस जो आ जाता है वो है कि आप अगर आप इतने डेस्परेट हो चुके हैं काम के लिए कि आपको चाहिए काम किसी भी कीमत पर, तो आपका फायदा उठाने वाले हजार खड़े हुए। लेकिन अगर आप अपने स्टैंड पर फर्म खड़े हैं कि आप अपने नॉर्म्स पर ही काम करेंगे, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तार पर नहीं रखकर काम चाहते हैं, तो आप वो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और जहां तक ये मिस घोष की बात है, मैं अभी कोई भी जजमेंट क्योंकि नहीं आया है, अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, तो मैं किसी की साइड ना लेकर मैं सिंपल ये बोलना चाहूंगी, आज उनको जान का खतरा है, पर सबसे पहले जब ये हुआ जो कि 2015 की बात है, उन्होंने तब आवाज नहीं उठाई, ठीक है, उनको एक एक टाइम चाहिए था इस चीज के लिए, आवाज उठाने के लिए, लेकिन क्या ट्विटर उनको इंसाफ दिलाने वाला था? तो क्या ये एक्चुअली इंसाफ की लड़ाई है या किसी की इमेज को बिगाड़ने की लड़ाई है?